फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टीवीएस विक्टर की उसकी चैन कैसे क्लीन करें बिना एक भी रुपए लगाए। आप तो जानते ही हैं मेरी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें आपको पैसे लगाने की ज़रूरत है। वैसे कभी कदार आपको 10, 5 या 20, 50, 100 रुपये तक का लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं जो आपको लेकर के आया हूँ उसमें एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है। जो मेरे जो एक सब्सक्राइबर जी हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि चैन कैसे क्लीन करें। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन क्या कहते हैं वो समझ रहे होंगे। चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, शुरू करते हैं। ये मेरी टीवीएस विक्टर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चैन को कैसे क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कहाँ कहाँ पेंच लगे हैं और कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपकी पेंच की जो चूड़ी है वो जा सकती है। आप सबसे पहले आप जान लें कि ये एक पेंच लगा हुआ है, ये एक पेंच लगा हुआ है, और एक ये पेंच लगा हुआ है, और एक ये पेंच लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। चार इसमें लगे हुए हैं और दो इसमें लगे हुए हैं। तो दूसरा कहाँ लगा हुआ है, मैंने एक तो आपको दिखाया, अब मैं दूसरा आपको दिखाने वाला हूँ वो कहाँ पर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दूसरा पेंच लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ, खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन से ही पाने का यूज़ करें। ये देखिए, ये आपको मार्केट में 20 से 30 रुपए के बीच में मिल जाएगा, और ये 15 रुपए का गुटका है, 15 रुपए का, जो कि है 8 नंबर का। इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये 8 नंबर का गुटका है। ये देखिए, हल्का हल्का दिखाई पड़ा, 8 नंबर का ये गुटका है, तो आप इसी का ही यूज करें। देखा, अभी मैंने सारे पेंच खोल लिए हैं, और क्या कहते हैं मैंने सब बचा के आराम से किनारे धर दिया है, कोई कहीं पेंच खोए ना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, 10-5 रुपए आपके खर्चे हो सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे चैन को क्लीन किया जाए, इसमें से कितनी तेजी से आवाज आ रही है। कट 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 की आवाज आ रही है, इसका मतलब कि ये जो है चैन बहुत ही गंदी पड़ी है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना, इसमें जो छोटे छोटे धूल या कण होते हैं वो इसमें आके अटक जाते हैं, और फिर ये जो है चैन किटकिटाने लगती है, और ये जो आपके जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं ये जल्दी घिस जाती है, ये जल्दी घिस जाती हैं। इस वजह से आपको ये चेंज कराना पड़ता है, 1500 या 1600 रुपए का होता है ये पूरा सेट आगे पीछे का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये इसको बाहर कैसे निकाला जाए, आप चैन कैसे बाहर निकाल जाए। तो आप जो है एक कपड़ा ले लीजिए, कोई भी कपड़ा हो, फटी पुरानी बनवाई नहीं हो आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये कपड़ा है, इससे पहले मैं अपनी चैन को क्लीन कर लूँ। साफ़ कर लिया, तो ये जो है इसमें जो लिखे हुए हैं ये सब दिखाई देने लगे। तो मैं अब इस चेन को थोड़ा आगे घुमाऊंगा कि ये चेन कैसे निकाली जाए। तो ये देखिए, ये आपको वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है, इसमें वाइट कलर का पेंट लगा रहता है, इसमें वाइट कलर का पेंट लगा रहता है, जिससे कि आपको पता चले कि ये यहीं से खुलेगा। इसको खोलने के लिए आपको प्लास की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको बताया ये प्लास से दबा करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। ये देखिए, ये निकल आया हुआ है, अब मैं एक पेचकस लूंगा, उसमें इसको फंसाया जाएगा,
थोड़ा पीछे किया जाएगा और ये निकल आएगा। आपने ध्यान से देख लिया है और फिर इसको हाथ से ही निकाल सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ये देखिए। और यहाँ से प्लास फंसाया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, यहाँ से आगे से प्लास फंसा के निकाल लिया जाएगा। चलिए मैं आप देखता हूँ ये कैसे निकली, चेन पूरी निकल आएगी अब बाहर। अब मैं ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है, आ गया। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है और ये कुछ इस तरीके रहेगा, यूँ खींच करके निकाला जाएगा यूँ। ध्यान दें, अभी जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आपके साथ ना हो, कहीं खोए ना कोई सामान। और फिर इसको पीछे ढकेलेंगे तो ये अपने आप ही बाहर निकल आएगी चेन पूरी। ये देखिए, और फिर ये देखिए सारा सामान बाहर। अब पहले मैं अपने जो पेंच है इसको सब किनारे कर लेता हूँ और ये देखिए ये चैन आपकी। अब मैं आपको इसको क्लीन करना सिखाऊंगा कैसे, ये एकदम नई से भी नई लगेगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लिया हुआ है अपनी गाड़ी से, तो मैं एक ब्रश ले लेता हूँ ये देखिए। और ये आप नीचे ध्यान रखें, ये तो मैंने दफ्ती बिछाई हुई है, आप पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पेपर या आप कोई थाली अली का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने देख लिया है मैंने ये चैन को पूरा क्लीन कर लिया हुआ, अपने कपड़े को पोंछ लेता हूँ। मैंने ये देखिए मैंने क्लीन कर लिया हुआ पोजीशन, अब देख सकते हैं कितनी जैसे नई होती है वैसे ही, क्या कहते हैं, ये हो गई है। ये देखिए ये पूरी क्लीन हो गई है। अब इसकी ऑयलिंग करना है कि कैसे ऑयल करते हैं। ये आप जमीन में रखें तो इस तरीके कुछ गंदा हो जाएगा, इस वजह से जमीन में ना रखें। चलिए मैं ऑयलिंग करता हूँ, अब चलिए आपको ऑयलिंग करना सिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पूरी चैन क्लीन कर ली और इस तरीके की एक प्लेट ले ली है, प्लेट जरूर ले रहे हैं। और ये मैंने जो अपनी पुरानी गाड़ी से निकलवाया हुआ ऑयल था, ये मतलब बहुत जल्दी सर्विस करा लिया था, एकदम ऑयल वही है ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको ऑयल इसके ऊपर गिराता हूँ। जितना बढ़िया ऑयल रहेगा उतनी बढ़िया आपकी ये चेन काम करेगी। अब मैं इसको थोड़ी देर पकड़े रहूंगा। इसमें ऑयलिंग कर ली हुई है तो अब मैं आपको इसको थोड़ी देर मैंने रखा था कि इसका जो तेल था वो छन जाए और ये अच्छे से काम करने लगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखें, यहाँ से
आप ये देख सकते हैं अपने आप ही फिर चैन चढ़ने लगेगी। जैसा कि मैंने यहाँ से एक चीज़ निकाली थी आपको, तो मैंने दिखाया था कि वो कौन सी चीज़ थी, तो वो चीज़ थी ये, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मैंने चैन चढ़ा लिया हुआ है और इसमें देख सकते हैं कितनी कम आवाज़ आ रही है। तो अभी इसके ऊपर का सामान लगा लेता हूँ मैं जल्दी से, और फिर ये जैसे निकाला था वैसे ही आपको बैठाना भी है। बीच वाले में ये डालेंगे और इसको आगे की ओर से, ये निकाला था वैसे ही बैठा लिया हुआ है। और ये देखिए अब मैं इसके ऊपर का जो सिस्टम था वो मैं बता देता हूँ। जैसे चैन कवर हो गया तो आप पूरी वीडियो देखें, आप ये ना समझे कि क्या कहते हैं मैंने दिखा दिया तो आपका काम हो गया, आप पूरी वीडियो देख लें क्योंकि चैन कवर कैसे बैठाया जाता है मैंने अभी आपको ये नहीं बताया। आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा बांध लिया हुआ है अच्छी तरीके से, सारे पेंच लगा लिए हैं, कहीं से मैंने कोई पेंच नहीं खोया। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।